सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन और डॉन का फादर के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें मूचेन उस डिमन ग्रेड ऑरा को कंट्रोल कर लेता है और डॉन के फादर को लड़ाई में हरा देता है और उसका यहाँ पे खेल को एंड कर देता है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसके मरने के बाद मूचेन गहरा होता है, कहीं यहाँ पर इस ड्रैगन डेमन पैलेस का कुछ और प्लान ना बन जाए ताकि वो मुझे या फिर मेरे दोस्तों को मार दे। ऐसे बदमाश लोगों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना उसने रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल किया था उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है, इसलिए वो भी वहाँ पर उससे सीधा पानी में जाकर ही गिर जाता है। लेकिन तभी मूचेन के दोस्त वहाँ पर आकर उसे वहाँ पर से बचा लेते हैं और उससे पूछते हैं, मूचेन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? लेकिन मूचेन यहाँ पर अभी भी अब किसी का जवाब देने की हिम्मत में नहीं होता, जो देखकर सभी घबरा रहे होते हैं। शुयान कहती है, मुझे तो लगता है कि मूचेन के यहाँ पर रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से कई सारे मेरिडियन टूट चुके हैं, हमें इसे जल्द से जल्द अपने सेक्ट में ले जाना होगा ताकि वहाँ जाने के बाद एल्डर जल्द से जल्द इसका इलाज यहाँ पर कर सके, उसके बाद ही मूचेन हो सकता है कि पूरे तरीके से ठीक हो पाए। तब वहाँ पर ड्रैगन सन आ जाता है, जो हंसते हुए सभी से कहता है, मैं तो यहाँ पर मूचेन को देखकर बिल्कुल इम्प्रेस ही हो गया, मुझे तो यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर बाई जबान की जान ले ली। बाई जबान का लेवल तो सच में काफ़ी ज़्यादा था मूचेन से, लेकिन तब भी वो यहाँ पर इस मूचेन के हाथों मारा गया। ये फाइट देखकर तो मुझे मज़ा ही आ गया। ये देख कर के मूचेन एकदम ज़्यादा घबरा जाता है, उसे समझ में आता है कि शायद इस ड्रैगन सन को ड्रैगन डेमन पैलेस ने ही भेजा होगा। मैंने यहाँ जबान की जान ले ली, उसी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने इस ड्रैगन सन को यहाँ पर भेज दिया। मूचेन को पता होता है कि यहाँ पर इस ड्रैगन सन की पावर जवान से कहीं गुना ज़्यादा आगे है। मूचेन तो यहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, अगर वो यहाँ पर जवान के साथ दोबारा से फाइट यहाँ पर करे तो वो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर वो जवान को हराने के बाद ड्रैगन सन को भी हरा देगा। शुयान वहाँ पर कह रही होती है, अगर हम अपनी कल्टिवेशन पावर के एकदम पीक पर होते हैं तब भी यहाँ पर इस ड्रैगन सन को नहीं हरा पाते, तो अभी के लिए तो हमारा जीरो पर चांस है। हम यहाँ पर सारे लोग मिल भी क्यों ना जाए तब भी ड्रैगन सन को नहीं हरा पाएंगे। मूचेन अगर रेड ऑरा की पावर का यूज़ करता हुआ हम सारे अपनी पावर का यूज़ यहाँ पर करते तब यहाँ पर अब कुछ चांस बनता, लेकिन मूचेन तो यहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, वो तो ठीक से यहाँ पे अब खड़ा तक नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ पर इससे फाइट वो कैसे लड़ेगा। जो देख करके ड्रैगन सन वहाँ पर कह रहा होता है, अरे यहाँ पर तुम लोगों का मूड क्यों उतर गया, तुम लोग ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मूचेन को देख कर मुझे लग रहा है तुम नॉर्दर्न हिवन स्पिरिचुअल अकेडमी से आए हो ना, वहाँ पर से तो मेरा अच्छा खासा नाता है, इसीलिए वहाँ के किसी डेसिबल को तो मैं ऐसे जाने थोड़ी दे सकता हूँ। शुयान वहाँ पर अपने दोस्तों से कह रही होती है, तुम यहाँ से मूचेन को ले जाओ, तब तक कि हम यहाँ पर ड्रैगन सन को संभालते हैं, हम यहाँ पर मारे क्यों ना जाएं, लेकिन तब भी यहाँ पर अब कुछ देर के लिए तो ड्रैगन सन को यहाँ पर रोक ही सकते हैं, तब तक तुम्हें मौका मिल जाएगा कि तुम मूचेन को यहाँ से भगा सकते हो। इसलिए रेन और शुयान सबसे पहले आगे जाते हुए ड्रैगन सन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि यहाँ पर उसे फाइट करते हुए उसका जो खेल है वो यहाँ पर एंड कर सके। जो देख करके तो जवान भी यहाँ पे हैप्पी हो जाता है कि अरे वाह, पहली बार मुझे लड़कियों से फाइट करने का मौका मिलेगा, चलो इस मौके का भी मज़ा ले लिया जाए। जिसके बाद उसने अपने हाथ से ही स्लैश अटैक करते हुए सीधा एक डेंजरस वाला अटैक रेन और श्रेयान की तरफ यहाँ पे कर दिया होता है। वो दोनों वहाँ पर तो अपने पावर का यूज़ करते हैं और अपने वेपन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ड्रैगन सन का स्लैश अटैक ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। मूचेन वहाँ पर अपने आप में कह रहा होता है, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं दोबारा से रेड ऑरा की पावर यूज़ यहाँ पे मैं कर सकूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लड कनेक्शन की पावर का तो यूज़ मैं कर ही सकता हूँ जो मुझे ज्यू से मिली थी। लेकिन ज्यू वहाँ पर मूचेन से कह रही होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमारे ब्लड कनेक्शन की पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो यहाँ पर ड्रैगन सन को हरा सके। ड्रैगन सन की इतनी पावर है जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर कोई एल्डर या मास्टर क्यों ना आ जाए वो भी वहाँ पर आसानी के साथ ड्रैगन सन को नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो वही मूचेन के सारे दोस्त ड्रैगन सन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर एक सेकंड के लिए भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। मुकाई वहाँ पर अपनी शील्ड को बनाते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन सन तब भी उसे उठाकर पहाड़ के अंदर ही धंसा देता है, जिसके बाद उसने अपनी थंडर पावर का यूज़ करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देख करके बाकी सारे लोग भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद ड्रैगन सन ने वहाँ पर लिंगर का गला दबा लिया होता है, वो सारे लोगों से कह रहा था, देखो जब तुम लोगों के पास पावर ना हो तो मेरे सामने मत आया करो, ऐसे कमज़ोर लोगों के साथ फाइट यहाँ पे करके मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है।
लेकिन अब तो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा दिन खराब यहाँ पे जो है वो कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी ही खराब करने वाला हूँ। वो लिंगा का गला जोर से दबा रहा होता है। लिंगा पूरी कोशिश करती है अपना गला वहाँ पे छुड़ाने के लिए, लेकिन वो तो वहाँ पे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इस चीज़ को देखकर मूचन का वहाँ पर खून खोल जाता है, इसलिए उसने ब्लड कनेक्शन की पावर का यूज़ करते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तभी ड्रैगन सन उसके ऊपर अटैक करके मूचन को उठाकर वहाँ पर से दूर फेंक देता है, जिसके बाद मूचन उससे कहता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग के साथ फाइट यहाँ करनी है तो तुम कमज़ोर के साथ फाइट यहाँ पर क्यों कर रहे हो? उन्हें छोड़ दो ना, मैं तुम्हारे सामने आ तो चुका हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी तो तुम्हें सारे लोगों को छोड़कर मेरे साथ फाइट यहाँ पर करने के लिए आओगी। जो सुनकर के ड्रैगन सन वहाँ पर कह रहा होता है मज़ा ही आ गया तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारे पास जितनी बातें करने का टैलेंट है उतना ही तो फाइट करने का भी है। तुमने यहाँ पर जवान को आसानी के साथ हरा दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम उतनी ही आसानी के साथ मुझे यहाँ पर हरा दोगे? मैंने तुम्हारी पावर देखी है, वो उतनी ज़्यादा भी नहीं कि तुम मेरे सामने यहाँ पर खड़े हो सको। लेकिन खैर, जब तुमने मुझे उकसा ही दिया है तो तब तो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट यहाँ पर ज़रूर मैं करने के लिए आऊँगा। तुम चाहो तो यहाँ पर अपने रेड ऑरा की पावर का यूज़ कर सकते हो, तभी तुम्हारे साथ फाइट करने में और मज़ा आएगा। लेकिन शायद तुम वहाँ पर उसकी पावर का यूज़ कर ही ना पाओ, वरना तो तुम मुझसे क्या मरोगे? वो रेड ऑरा ही तुम्हें अपना पपेट बनाकर तुम्हारी अपनी जान ले सकता है। तो बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है, तुम ऐसे ही मुझसे फाइट करना चाहते हो या रेड ऑरा की पावर को यूज़ करना चाहते हो? लेकिन मुझे उसकी ऐसी बातें सुनकर समझ चुका था कि वो यहाँ पर किसी को भी ऐसे जाने तो नहीं देगा। वो यहाँ पर सभी को बहकाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सारे लोगों को यहाँ पे जोड़ कर रख सके, और उसके बाद वो एक यहाँ पे करके सभी को यहाँ पे मार डालेगा। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही होगा ताकि मैं यहाँ पर ड्रैगन सन की जान ले सकूँ, वरना हम सबकी यहाँ पे जान जाने में देर नहीं लगेगी। जो सुनकर के ड्रैगन सन वहाँ पर मूचेन से कहता है तुम तो मेरा प्लान बड़ी आसानी के साथ समझ गए, मैं यहाँ पर अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम जैसे स्मार्ट बनने से ही तो मैं फ़ाइट यहाँ पे करना चाहता था, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर मुझसे फ़ाइट करने के दौरान ज़्यादा देर तक की नहीं यहाँ पे टिक पाओगे। जिसके बाद वो वहाँ पर लिंगा को छोड़ देता है, इसलिए श्रेयान और बाकी सारे लोग वहाँ पर आकर उसको संभालते हैं। उन सभी की हालत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कोई भी ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर लड़ाई करने की बात तो यहाँ पर छोड़ ही दो। जिसके बाद ड्रैगन सन जो होता है वहाँ पर मूचन को देखकर कह रहा होता है लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना ही होगा। मैं बहुत ही कम लोगों से मिलता हूँ जिनके साथ फाइट यहाँ पर करने के दौरान मुझे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालनी पड़ती है, लेकिन आज तो मूचन ने मुझे अपनी स्वॉर्ड निकालने पर मजबूर यहाँ पर किया, तो मैं तुम्हें यहाँ पर सलूट मारना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर मुझे अपनी पावर को यूज़ करने का मौका दिया है, तो चलो अब अपनी खुशकिस्मती समझते हुए मेरी स्वॉर्ड के हाथों अपनी जान दे दो। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी सारी बिजलियों को बाहर निकालते हुए पूरी तरीके से मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, ताकि वो यहाँ पर मूचन की जान ले सके। लेकिन इस फाइट के दौरान यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन यहाँ पर मारा जाएगा इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते। और फिर ये सीन दिखाते ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।